आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनता युवा मोर्चा नोएडा महानगर ने भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी के मार्गदर्शन में और भाजयुमो जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन नोएडा महानगर के सभी 8 मंडलों में मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में किया गया। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में भाजपा नोएडा महानगर जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मनोज गुप्ता ने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि यह युवा की जिम्मेदारी है कि वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को मूर्त रूप प्रदान करे। रामनिवास यादव ने कहा कि युवा मोर्चा ये सुनिश्चित करे कि जिन लोगों का भी स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है उनको सरकारी चिकित्सालय से दवाइयां भी उपलब्ध हो सके, जिससे इस कार्यक्रम का लाभ पूर्ण रूप से आम जनमानस को प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री उमेश त्यागी, जिला उपाध्यक्ष व युवा मोर्चा प्रभारी मनीष शर्मा, उमेश पहलवान, युवा मोर्चा महामंत्री अनुज शर्मा, मोहित शर्मा, नवीन मिश्रा, रिंकू नंबरदार, अर्पित मिश्रा, नरेंद्र जोगी, अमित पांडे, तुषार गोयल, साधना शर्मा, संजय चौधरी, कपिल धारीवार, राहुल शर्मा, मोनू जोगी, आकाश चौहान, सूर्या शर्मा, आकाश शर्मा, विपिन प्रधान, विपिन भाटी, ऋषि तोमर, वरुण यादव, साहिल राठी, आसिफ नेयर, विक्की दास, रविंद्र नागर, दिनेश बंसैला, सचिन भाटी, निशु जोगी, प्रदीप मुखिया, दीपक सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए ब्यूरो चीफ शिव पूजन शुक्ला की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।